हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है मुंशियारी के लिए। अभी हम घर से निकले हैं, जस्ट यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, तो अभी हम जा रहे हैं मुंशियारी। अभी रास्ते में जो जो भी अपडेट रहेगा, जैसे जैसे भी अपडेट रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगी। आज थोड़ा सा मौसम भी मेहरबान है, अच्छा मौसम है, तो क्या सिचुएशन रहती है, क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, सारा आपसे शेयर करेंगे। कि पूरे ब्लॉक की जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवेंचरस जाट वीरस कुंडू। तो भाई, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, तो आज हम जा रहे हैं मुंशियारी। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। तो यहाँ से हम पहले हम जाएंगे हल्द्वानी। हल्द्वानी हम आज स्टे करेंगे, देन हल्द्वानी से हम फिर कल सुबह सुबह हम निकलेंगे आगे मुंशियारी के लिए। तो जो जो अपडेट्स रहेंगे, अपडेट्स आपको सारे मिलते रहेंगे, सारी कंडीशन सिचुएशन उत्तराखंड में कैसे होगी एंट्री, क्या है अभी वहाँ पे, क्योंकि ई पास तो हमने नहीं लिया है अभी, क्योंकि जो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं उन्होंने बोला कि ई पास अभी ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे एंट्री के लिए, तो कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हम हैं यहाँ से चार दोस्त और तीन बाइक से। तो मेरी बाइक है हार्ले, उस पर मेरे साथ है मेरा दोस्त साइमन, और बाकी दो अलग अलग बाइक्स पे, उनकी आवाज़ आपको शायद थोड़ी आ रही होगी। एक है रॉयल इनफील्ड क्लासिक, ये आपको दिखाते हैं, ये रही, ये हमारे दोस्त हैं उज्जवल कतरी, और एक ये है हमारी थंडरबर्ड। तो ये तीन बाइक सभी हैं जो जा रही हैं मुंशियारी। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं जल्दी, लेट्स गो। ज़्यादा गीले हो गए हैं, जूतों में भरा हुआ पानी, जूते जैसे ही हम चल रहे हैं नवा रहे हैं तो पानी निकल रहा है जूतों से। तो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ, फिर देते हैं आपको अपडेट कैसे रहता है, क्या रहता है। ओके भाई, नाम क्या तुम्हारा? विकास। तुम्हारा? बहुत बढ़िया भाई, आ गई है भैया ट्रेन। ये कौन सी जगह है भाई? शिवारा। और अभी है हम भाई शिवारा में, और यहाँ से हमारे को अराउंड हल्द्वानी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा भाई? यहाँ से हल्द्वानी कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे के आसपास। तो यहाँ से भाई हमें बता रहे हैं कि अराउंड हमें लगेंगे भाई 3 घंटे। चलो भाई 3 घंटे और देंगे, 3 घंटे के पहले पहुँचे। नहीं, हमारे साथ ये लुटरू है ना, ये आराम आराम से तेजी में बंद कर ले। तो भैया अभी आ गए हैं हम उत्तराखंड में, अभी आ गए हैं हम उत्तराखंड बॉर्डर पे। तो उत्तराखंड बॉर्डर पे क्या है, यहाँ पे हो रही है ज़बरदस्त चेकिंग। NTPCR रिपोर्ट आपको लाना अपनी ज़रूरी है, और साथ में ई पास रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है। अगर ई पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप उत्तराखंड में एंटर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे हमारे को यहाँ
यहाँ पर रोक लिया गया था। साथ में कुछ और गाड़ियाँ भी हैं जो पीछे काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो सब गाड़ियों को रोक लिया गया है क्योंकि उनके पास ना तो NTPCR रिपोर्ट है और ना ही जो है वो रजिस्ट्रेशन है अपना ई पास रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा और वहाँ पे जो है वो एक उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपकी सारी डिटेल नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो ही आप आगे उत्तराखंड में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बॉर्डर से ही वापसी कर दिया जाएगा। पुलिस जो है वो 24 घंटे तैनात है, 24 घंटे चल रही है चेकिंग प्रॉपर। नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो आपको भेज दिया जाएगा वापस। तो प्लीज़ प्लीज़ जब भी आप उत्तराखंड में आओ तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आप लेके आओ, तभी आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एंटर नहीं कर पाओगे। ये कुछ हमारे दिल्ली के भाई हैं जो आए हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको रोक दिया गया, ये काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे तो आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज़ जो है वो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। चले जी, मिलते हैं, थैंक यू।